नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बनाएंगे कटहल का सब्ज़ी। कटहल का सब्ज़ी हमने उबाल लिया है। आधा किलो कटहल है, ग्राम में 500 ग्राम है ये। जब भी आपको कटहल खाने का मन कर रहा है तो ऐसे कटवा लीजिएगा, साबुत कभी मत लीजिएगा, काटने में बहुत दिक्कत होता है। मैं मार्केट से ही कटवा के लाई हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ये है दो प्याज, दो टमाटर और एक तेज़पत्ता, चार हरी मिर्च। दोनों प्याज को बारीक काट लेना है, दोनों टमाटर को बारीक काट लेना है, ऐसे बिल्कुल। प्याज भी कटा गया और बारीक, और टमाटर भी चौक हो गया है। चार लहसुन है और हरी मिर्च को बीच से फाड़ दिया गया है। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें ऑयल डालना है। ऑयल अपने सब्ज़ी के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये साबुत जीरा है, हाफ टेबल स्पून। जीरा हमारा चटकने लगा है, इसमें प्याज और हरी मिर्च और एक तेज़पत्ता जो हमने लिया था वो ऐड करेंगे और ब्राउन करेंगे प्याज को। प्याज हमारा ब्राउन हो जाएगा, जिसमें टमाटर ऐड करेंगे। इससे पहले चलिए हम अदरक और लहसुन कूच लेते हैं। मैंने मिक्सी जार में पीसा नहीं है, इसको बारीक कूच लिया है। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को थोड़ा पकाएंगे। टमाटर हमारा हल्का पक जाएगा तो इसमें मसाला ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून हल्दी, वन टेबल स्पून धनिया पाउडर, वन टेबल स्पून जीरा पाउडर और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च है। और वन टेबल स्पून नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। और ये लहसुन अदरक का जो हमने कूचा था वो है। मसाला थोड़ा भूनेंगे, भुना जाएगा, उसके बाद इसमें कटहल डालेंगे। ये कटहल हमारा पहले ही बता चुकी हूँ आपको, उबला हुआ है। ऐसे हाथ से दाबने पे ये बहुत अच्छी तरह से देखिए मिसा जा रहा है। ये थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। ये है अचार, मिर्च का अचार है, मैंने उसमें से ये हाफ चम्मच निकाला है। आप चाहें तो अचार का तेल भी डाल सकते हैं। आप शुरू में जब फ़ौरन के लिए तेल ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, उसमें कम कर लीजिए और लास्ट में अचार का तेल डाल दीजिए। ये कटहल जो हमने मीसा था वो कटहल है, उबला हुआ कटहल। बहुत अच्छी तरह से हाथ से मैन हो जाता है, मिसा जाता है और हमारा कटहल का सब्जी बनके रेडी हो गया है। चलिए दोस्तों, अब गैस को ऑफ करते हैं, सर्व करने चलते हैं। ये रहा हमारा कटहल का सब्जी, सर्व कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसको गार्निशिंग धनिया पत्ता से कर रहे हैं। लास्ट में आप उतारते समय धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं।
अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड में, फैमिली में, और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए आपको क्या खाने का मन कर रहा है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।